अब नहीं चला पाएंगे मोबाइल। जेल में जल्द लग सकता है 4G जैमर। जेल में विपश्यना शिविर भी लगाने की योजना। राजस्थान का जोधपुर सेंट्रल जेल सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। जोधपुर जेल में बड़े से बड़े अपराधियों के अलावा कई आतंकवादी भी सलाखों के पीछे बंद हैं। इस जेल में कभी फिल्मी सितारे सलमान खान भी सलाखों के पीछे अपनी रात बिता चुके हैं, लेकिन जेल के भीतर अक्सर कोई ना कोई घटना इसे सुर्खियों में ला देती है। चाहे जेल के भीतर कैदियों के मोबाइल चलाने का मामला हो या फिर कैदी के आत्महत्या की कोशिश का मामला, लेकिन जेल प्रशासन जल्द ही जेल में जैमर लगाने जा रहा है ताकि कोई भी अपराधी गैर कानूनी तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सके। जेलों में अवैध वस्तु न पहुंच पाए इसके लिए रेगुलर RAC बॉर्डर होमगार्ड, हमारी खुद की जो फोर्स है उससे तलाशियां लेते रहते हैं। हमने गेट पे भी काफी सख्ताई बरत रखी है और कोशिश करते हैं कि कोई अवैध वस्तु अंदर नहीं जाए। जोधपुर सेंट्रल जेल में सख्त सुरक्षा को लेकर अक्सर तलाशी अभियान भी चलाए जाते हैं। जेल में कैदी हिंसक नहीं हो और आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएं, इसको लेकर भी जेल प्रशासन सतर्क है। जेल में मनोचिकित्सक डॉक्टर समय समय पर कैदियों का चेकअप करते रहते हैं। वही आने वाले दिनों में कैदियों के लिए विपश्यना शिविर भी लगाने की योजना है। आध्यात्मिक कैंप के तहत मेडिटेशन का कैंप हुआ है और यहाँ की लोकल संस्था ने ही किया है। उन्होंने मेल्स जेल के लिए भी अंदर सर्वे कर लिया और वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी विपश्यना का केंद्र सेंटर चालू करेंगे। जोधपुर जेल के दिन जल्द ही फिरने वाले हैं। जोधपुर जेल की सुरक्षा को और पुख्ता करने की कवायद चल रही है। वहीं जेल की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में जोधपुर जेल की पहचान हाईटेक जेल के तौर पर हो सकती है। अरुण हर्ष, Zee Media, जोधपुर।